तो गाइस अगर आपका भी 3.3 अपडेट कर तो लिया, लेकिन करने के बाद अगर आपका भी लैग हो रहा है, पिंग हाई आ रहा है, या फिर गेम प्ले स्मूथ नहीं चल रहा, ओवर हीट कर रहा है फ़ोन, आपका गेम फुल ऑप्टिमम लेवल में चल नहीं रहा, तो उसका दिक्कत जो है ना, उस दिक्कत का प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ, जो मैं बोलूँगा करते रहना बिना कोई बकचोदी के। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेट DNS सर्च करके रखना है। हाँ गाइस, प्राइवेट DNS आपको यहाँ पे सर्च करना है। अब प्राइवेट DNS यहाँ पे सर्च करोगे तो आपका यहाँ पे मे बी ऑटो में होगा या फिर कोई लोगों का यहाँ पे ऑफ में रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको स्पेसिफाइड DNS या फिर प्राइवेट सर्वर है ना, इसमें यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है। हाँ गाइज, इससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे जो ऑटो में था ना, उससे यहाँ पे प्राइवेट सर्वर में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका नेटवर्क का स्पीड बढ़ेगा, आपको अच्छा खासा नेटवर्क आएगा एंड आपका लैग वगैरह भी कम होगा। एंड उसके बाद आपको अबाउट डिवाइस में आ जाना है, यानी आपको यहाँ पे वर्जन में आ जाना है। हाँ गाइस, नीचे वर्जन में आने के बाद वर्जन को आपको यहाँ पे जो वर्जन नंबर है ना, इसको 3-4 बार क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, आपका जो डेवलपर ऑप्शन है ना, डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन जैसे यहाँ पे URL डेवलपर दिखाएगा, उसका भी एक दो सेटिंग्स है, वो सेटिंग्स को भी आपको एनेबल करना है। एंड हाँ गाइज, ये सेटिंग्स कोई ऐसे नहीं बोलना, एकदम मैंने खुद ट्राई करके देखा तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो डेवलपर ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे डायरेक्टली जो सेटिंग्स में सर्च का ऑप्शन है वहीं पे मैं डायरेक्टली डेवलपर ऑप्शन सर्च कर लेता हूँ। डेवलपर ऑप्शन मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसमें आपको यहाँ पे एक नीचे स्टैंडर्ड बैकग्राउंड लिमिट कुछ दिखेगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च भी मार सकते हो, या फिर नीचे नीचे अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे ना, एंड में आपको वो दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक दिखाने वाला हूँ, मतलब किसी को भी ऐसा ना हो कि मतलब एकदम कट कुट करा के दिखा दिया, सबको बेसिकली दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी ये आप ही के सामने कर रहा हूँ, और जो भी कर रहा हूँ उसके बाद आपका लैग एकदम रिड्यूस हो जाएगा। नीचे नीचे ले जाओगे ना, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, वो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड लिमिट रहेगा इसका, मेनली बेसिकली स्टैंडर्ड लिमिट में रहता है, इसको आपको यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड बैकग्राउंड चेक में भी अगर कोई भी ऐप यहाँ पे बैकग्राउंड में हो, उसको भी ऑफ कर देना है। ये सब करोगे ना, आपका बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं रन होगा, जब आपका BGMI रन होता रहेगा। एंड आपका एक बार रिपेयर कर लेना गेम को, जिससे क्या होगा, 25-30 MB का अपडेट आएगा एंड गेम इजीली मक्खन चलने लग जाएगा। अब रहा ये सब करने के बाद, आपका गेम मक्खन चलने वाला, फिर भी अगर नहीं चला तो क्या है, रामबाण इलाज, ये जो मैं अब यहाँ पे ऐप दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, वो आपको ऐप डाउनलोड करना है। हाँ गाइस, मैं कभी कभी खुद यहाँ पे यही ऐप से खोलता हूँ, जब मेरा प्रॉब्लम आता है, इश्यूज आता है, नेट लैग वगैरह करता है। इसमें भी मेनली बेंगलुरु का जो सर्वर है ना, वो फ्री सर्वर है, मतलब वहाँ पे आपको 1 घंटा का फ्री सर्वर मिलेगा, जब आप 30 सेकेंड्स का ऐड देखोगे। तो वो करने का बेंगलुरु सर्वर सेलेक्ट कर लेना, फ्रीली आपको यहाँ पे 1 घंटा तक अच्छा खासा, मतलब 40-50 पिंग आ जाएगा, जिसमें आप इजीली क्लासिक मैच 3-4 मैच बजा पाओगे एंड इजीली आप यहाँ पे अच्छे खासे पिंग में खेल पाओगे, लैग नहीं होगा, इसका गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो ये सब कुछ ट्रिक्स मैंने जो बताया उसको अप्लाई करना है, वो कन्फर्मली वर्क तो करेंगे, लेकिन फिर भी वर्क नहीं किया तो बैकअप के लिए ये ट्रिक भी बता रहा हूँ, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर लैग कम हुआ तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय।